प्लस वन क्लास कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें 25th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 47C4 प्लस 5 समेशन R इज इक्वल टू 1 to 5। मतलब समेशन R इज इक्वल टू 1 to 5, समेशन का मतलब होता है प्लस करना, और R की वैल्यू कहां से लेके होगी, 1 से लेके कहां तक है, 5 तक। 52 माइनस R C3, C4 कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के लिए यूज होगी। तो हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसको लिखते हैं क्या, 47C4 एज इट इज रहेगा प्लस, अब इसको समेशन है तो समेशन का मतलब होता है प्लस करना, लेकिन किनको, आर की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करके उसको प्लस करना है। पहले आर को जब हम 1 पुट करेंगे, 52 माइनस 1 कितना बना, 51 C3 प्लस, अब जब आर को 2 पुट करेंगे 50 रह जाएगा C3 प्लस, जब आर को 3 पुट करेंगे 49 C3 प्लस, जब हम आर को 4 पुट करेंगे 48 C3 प्लस, जब हम आर को 5 पुट करेंगे 47 C3। ये हमारे पास वैल्यू आई है और हमने सबको प्लस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर समेशन का साइन है। अब हमें देखिए यहाँ 47 वाला ये भी है, मैं इस चीज को एंड में लेके जा रही हूँ, ये आएगा 51, बाकी वैसे रहने देते हैं, 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3 प्लस 47C3 प्लस, यहां तक मैंने लिखने के बाद इस जो फर्स्ट में था उसको एंड में ले गई हूँ 47C3। अब जो सेम है उन पे फॉर्मूला बन सकता है, ये फॉर्मूला आपको पहले भी करवाया हुआ है। फॉर्मूला है हमारे पास NCR प्लस NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, ये देखो मैंने बताया था जब ऊपर सेम हो और प्लस हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक बढ़ा देते हैं और नीचे दोनों में से जो बड़ा होता है, जैसे R और R माइनस 1 में से बड़ा क्या है, R, तो वो बड़े वाला लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, एक बढ़ा दिया N प्लस 1 C, दोनों में से जो है बड़ा वो लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास ये वैसे रहेगा, 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3, यहां तक हमने सेम लिख लिया, ये सारे सेम, बस इन पे फॉर्मूला लगेगा। देखो सेम है ऊपर, बीच में प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, 47 प्लस 1 कितना होगा, 48 सी, और नीचे दोनों में से जो बड़ा है वही आएगा, 3 और 4 में से बड़ा क्या है, 4। अब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम है ना ऊपर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस, अब देखो सेम है और प्लस हो रहा है तो एक बढ़ा देंगे ऊपर 49, और नीचे देखो दोनों में से जो बड़ा है वो आएगा C4। तो अब इन दोनों पे फॉर्मूला सेम पे ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट है 51C3 प्लस 50C3 प्लस, अब देखो दोनों में से बड़ा, दोनों में सेम है ऊपर और यहाँ प्लस है तो एक बढ़ा देंगे तो कितना होगा 50, और दोनों में से नीचे जो बड़ा है वो आ जाएगा 4। अब इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये मैं दोबारा सेम लिख रही हूँ, 51C3 प्लस, इन दोनों को प्लस करें, सेम है एक बढ़ा दो और नीचे दोनों में से बड़ा क्या है 4। अब इन दोनों का करेंगे तो ये कितना आएगा, 51 प्लस 1 कितना बनेगा 52 सी, और दोनों में से बड़ा क्या है 4। अब हमें इसको एक्सपैंड करना है तो देखो कैसे, 52 को 4 टर्म्स तक एक्सपैंड करो, 51 50 49 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हम कटिंग करेंगे, जहां कटिंग होगी ये आएगा 2 से कटेगा, ये आएगा 25, और ये 4 से काटो, अब 4 से जाता है ये, 4 1 4 12, 4 3 15, और ये 3 से जाएगा, यहाँ 13 आ गया, ये 3 से आएगा, 3 1 3 21 7, मीन्स हमारे पास आया 13 × 17 × 25 × 49, और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 270725। दैट्स ऑल बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ NCX इज इक्वल टू 56 एंड NPX इज इक्वल टू 336 एंड फाइंड N एंड X, आपको दोनों निकालने हैं। सबसे पहले मैं निकल रही हूँ यहाँ से, NCX हमारे पास दिया है 56, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल नीचे वाले का X का फैक्टोरियल और माइनस करके N माइनस X इज इक्वल टू 56, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको आगे कर रहे हैं, दूसरा क्या है, NPX इज इक्वल टू 336, इसका ही फॉर्मूला लगा लो, ये क्या फैक्टोरियल N, बस इसमें नीचे वाले का नहीं आएगा, N माइनस X इज इक्वल टू 336, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग नंबर 2 बाय नंबर 1, नंबर 2 को हम नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस X अपॉन नीचे क्या है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल X फैक्टोरियल N माइनस X इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 56। देखो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, और ये फैक्टोरियल X ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे इसके भी कैंसिलेशन होगी, इसको हम करते हैं, ये जाएगा 6 से,
तो ये किसके इक्वल आ गया, 6 के, मतलब फैक्टोरियल x इज इक्वल टू 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स ये फैक्टोरियल 3 बन गया। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। अब हमें निकालना है n, पहले x बोला था अब n, अब देखो npx इसमें थोड़ा इजी रहेगा ना, ये ज्यादा हो गया तो नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दीजिए, नंबर 2 इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास है npx, np3 इज इक्वल टू 336। तो अब हम np3 को खोलते हैं, n को 3 टर्म्स तक खोलना है, n n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू, इसके भी आप फैक्टर बना सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6। तो देखो ये भी सीरियल वाइज में है, बड़ा छोटा छोटा, ये भी बड़ा छोटा छोटा, तो आप पहले वाला पहले के इक्वल कर दो, जहां n माइनस 1 को 7 के इक्वल कर दो वहां से भी n 8 ही आएगा, जहां n माइनस 2 को 6 कर दो वहां से भी n 8 ही आएगा। तो देखो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8। दैट्स ऑल बेटा।